धनबाद में बेखौफ बदमाशों ने एक ही रात में तीन चोरियों को अंजाम दिया। घटना झरिया कोसला के कांड्रा बाजार की है, जहां चोर एक बंद पड़ी जेवर की दुकान का ताला तोड़कर करीब 6 लाख के जेवर को साफ कर फरार हो गए, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को घटना की सूचना दी। कांड्रा बाजार है और वर्मा ज्वेलर से जो हमारे दामाद बाबू का कृष्ण कुमार वर्मा का, और उसमें पीछे से सेन मार करके चोरी की गई है। इस जगह पर बगल दुकान से एक रास्ता है पीछे जाने का, जिसमें पूरा शराब बिकती है, रात में जमावड़ा लगा रहता है, मेन गेट है शराब का जमावड़ा, और पीछे का मुआयना करके लोगों ने ऐसा गलत काम हुआ है। कितना का लगभग चोरी? अभी पूरा रूप से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी लोग इस पर आने वाले हैं, इसलिए करके मोटा मोटी 4-5 लाख रुपए का मान के चला जाए। जैसा कि सोना चांदी की दुकान हमारा नमन लागू करके, उससे अधिक तो नहीं लग रहा, और अंदर तिजोरी वगैरह भी काट दिया है सब सामान। पुलिस की ओर से क्या अभी तक कार्रवाई की जा रही है? पुलिस पर मैंने अपना काम कर रही है, हमको पुलिस कोई शिकायत नहीं है। जाँच पड़ताल डी एस पी साहब आए हुए हैं, प्रमुख केसरी जी, जाँच पड़ताल चल रही है। कांड्रा बाजार है, यहाँ एक सोना चांदी का दुकान है, जिसमें उसके दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर चोरी करने की घटना हुई है। हम लोग यहाँ पे अनुसंधान कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो जाए। सर, कितना का लगभग चोरी की संभावना? अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, चूँकि दुकान अभी बंद है और इसका अनुमान अभी नहीं लगाया गया है, चूँकि दुकान का मालिक अभी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन अंदर हम लोग पूरा जाँच नहीं कर पाया है। उसके बाद ही हम लोग उस पर अनुमान लगा पाएंगे क्या चोरी किया है, क्या हुआ है। वहीं पुटनी थाना के गापालीचक में चोरों ने एक ठेकेदार के घर 9 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था, तभी मौका पाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हम तो कल शाम में अपना वाइफ को लेने ससुराल गए हुए थे, छठ पूजा में गई थी, तो उसके बाद हम सुबह सुबह पिताजी हमको फ़ोन किए 5 बजे कि यहाँ जाओ, यहाँ ताला टूटा हुआ घर का, पिताजी दूसरा जगह हमारे घर है उसमें सोते हैं, तो सुबह सुबह शायद मॉर्निंग में निकल रहा था। तो ये घर पूरा खाली था? ये घर खाली था, इसमें कोई नहीं था। मेरी माँ भी गांव गई हुई है और मेरा भाई भी अपना मायके गई हुई है, उसी के लाने हम कल गए थे। तो आगे का ताला तोड़कर ये दो रूम का देख रहे हैं, ये ताला और एक बगल का रूम भी ताला टूटा हुआ है। क्या क्या सामान गया? सामान में लगभग मेरा 8-9 लाख का जो भी माँ का गहना है, और मेरा तो वाइफ लगभग कुछ गहना लेके ही गई थी, पर माँ गांव जाने से पहले सारे गहना एक बक्स में करके बगल वाला रूम में छोड़ गई थी, वो पूरा वो लोग उसका बैग ही तोड़ ताड़ के जो भी बक्स सब कुछ निकाल दिया है। वहीं सदर थाना के सूर्य बिहार कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक के घर भी चोर लगभग 5 लाख जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। 6 भर का गला का जो सेट होता है, एक सोना का एक वो ले गया है, फिर चांदी का एक सेट ले गया है, इयररिंग जो बड़ा वाला होता है वो आपका 2 सेट था, मेरा सिर्फ इयररिंग था वो ले गया है, फिर टॉप्स था वो 2 था, फिर 5-4 अंगूठी जो था मेरे हस्बैंड का था गोल्ड का, वो कम से कम 3-4 जो था वो 5 भर का होगा, और 1-2 को छोटा 2-3 ग्राम का होगा। बाकी साड़ी वगैरह भी क्या थे? साड़ी 2 साड़ी नहीं दिख रहा, अभी कुछ कैश होगा हमको याद नहीं आ रहा, अभी देखेंगे। कहाँ गए थे जब घटना? हम बोकारो गए थे छठ पूजा में, अभी सुबह 8 बजे आए तो पूरा घर खुला हुआ था, ताला टूटा हुआ था। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को दे दिया है, तो वो अभी बोल रहे हैं कि आ रहे हैं। धनबाद में लगातार चोरी से पुलिस की नींद उड़ गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर चोरों की तलाश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।